आपका भी वजन बढ़ता चला जा रहा है जिसे आप जल्दी जल्दी कम करना चाहते हो, क्या आपको भी PCOS या PCOD है, आपको लगता है कि आप कभी भी वेट लॉस नहीं कर पाओगे, सो डोंट वरी, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप PCOS एंड PCOD में भी अपना ईजिली वेट लॉस कर पाओगे। साथ ही साथ आपको जो इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है उसे आप ठीक कर सकते हो कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस करके जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड स्पेशली शेयर कर दो उन हर एक वुमेंस के साथ जिनको PCOS या PCOD है। एंड विदाउट वेस्टिंग फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। PCOS एंड PCOD बेसिकली एक ऐसा कंडीशन होता है फीमेल्स के साथ जब उनके बॉडी में बहुत ही ज्यादा हार्मोन इंबैलेंस होता है जिसके वजह से उनका जो वेट है वो सडनली बहुत ज्यादा गेन करता है एंड उसे लूज कर पाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है अगर आप इन तीन चीजों पर वर्क कर दो। सबसे पहले आपका न्यूट्रिशन, जब भी आपको PCOD या PCOS है तब आपका जो बॉडी है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट बन जाता है, यानी जब भी आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हो तो वो एज ए एनर्जी की तरह ना कन्वर्ट होकर एज अ फैट स्टोर होने लगता है आपके बॉडी में। तो आपको करना है आपको लो कार्ब्स डाइट इंटेक करना, यानी आपके डाइट में आपको कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कम कर देना है। एंड अगर आपको कार्बोहाइड्रेट लेना भी है तो एज अ प्री या पोस्ट वर्कआउट आप इसे ले सकते हो जो इजिली डाइजेस्ट हो पाएगा एंड एज अ फैट की तरह स्टोर नहीं होगा आपके बॉडी में। एंड उसके बाद जितने भी मील्स है उसमें आपको प्रोटीन एंड गुड फैट का इंटेक बढ़ा देना है एंड कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कम कर देना है। इसके साथ साथ आपको सुगरी फूड, ऑयली फूड, जंक फूड को कंप्लीटली अवॉइड करना है एंड स्पेशली जो पैकेज फूड होता है ना बाहर का खाना वो आपको बिल्कुल ही बंद कर देना अगर आप सीरियसली अपने PCOS एंड PCOD को कंट्रोल करना चाहते हो। इसके साथ साथ आप PCOS एंड PCOD को क्योर करने के लिए नम्या का PCOD किट भी ले सकते हो। बेसिकली ये बना होता है आयुर्वेदिक हर्ब से तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें कोई भी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का यूज नहीं किया गया है। इनका मेन एम है आपके रूट कॉज आपके PCOS या PCOD को ठीक कर पाना। ये रिलीफ दिलाता है आपको PCOS एंड PCOD से इन द लॉन्ग रन। ये रेगुलेट करते हैं आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल को, प्रमोट करता है हेल्दी पीरियड फ्लो को, इंप्रूव करता है फर्टिलिटी को एंड रेगुलेट करता है टाइमली ओव्यूलेशन को। सो नम्या के इस PCOD किट को आप बाई कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है, तो गो बाई नाउ। दूसरा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हो। जब भी आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो आपके बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, इससे आपके बॉडी में जो फूड होता है वो एनर्जी की तरह कन्वर्ट होता है एंड आपका जो फैट लॉस है वो फास्ट होने लगता है। इसलिए आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हो। वेट ट्रेनिंग में आप बहुत सारे एक्सरसाइजेस कर सकते हो जैसे स्क्वाट्स हो गया, लंजेस हो गया, टैंक हो गया, पुशअप्स हो गया, ये सारे वर्कआउट्स आप अपने वर्कआउट रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो। तीसरा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हमारे बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोन इंबैलेंस होता है, आपका PCOD PCOS बढ़ जाता है, आपका वेट भी गेन होने लग जाता है। इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करो जिससे आपका स्ट्रेस रिलीज हो सके। इसके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो जैसे साइकिलिंग कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हो। सो आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हो जिससे आपको करने में मजा है, आपका स्ट्रेस रिलीज हो एंड आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर पाओ जिससे आपका PCOS PCOD कंट्रोल हो एंड साथ ही साथ आसानी से आपका वेट लॉस भी हो सके। इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा इरेगुलर पीरियड्स की भी प्रॉब्लम होती है, मतलब आपके पीरियड्स रेगुलरली नहीं आता है, तो उनको ठीक करने के लिए कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस कर सकते हो जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो चलिए वो सारे एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं गाइस हमारे एक्सरसाइज को शुरू। तो सबसे पहले एक्सरसाइज जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज कोबरा पोज। इसे कैसे करना है आइए सीख लेते हैं। मैं आपको साइड वेज से बता रही हूँ ताकि आपको पोजीशन का आइडिया हो जाए। सिंपली आपको इस तरीके से पेट के बल लेट जाना है, आपको जो हाथ होगा वो आपको चेस्ट के अपोजिट रखना है, सामने की तरफ देखना है एंड बॉडी को पूरा खोलते हुए आर्च बनाना है, ऊपर की तरफ देखेंगे एंड इस पोजीशन को आपको होल्ड करके रखना है 5 सेकेंड्स तक एंड देन स्लोली बॉडी को रिलीज करना है। मेक श्योर करना है आपका हाथ बहुत आगे ना रहे, बहुत पीछे ना रहे, एग्जैक्ट चेस्ट के अपोजिट रखना है, सामने की तरफ देख के पूरा बॉडी को आर्च बनाना है, होल्ड करना है 5 सेकेंड्स, 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन स्लोली बॉडी को नीचे की तरफ रिलीज करना है। सो इस तरीके से गाइज हम लोग कोबरा पोज को परफॉर्म करेंगे। कितना करना है तो आपको 10 से 15 का रेपिटेशन लगाना है एंड टोटल आपको इसको करना है 3 सेट। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं हमारा सेकेंड वर्कआउट जिसका नाम है चाइल्ड पोज। बहुत रिलैक्सिंग वर्कआउट है, ये अमेजिंगली आपको हेल्प करता है आपके पीरियड्स को रेगुलर करने में। कैसे परफॉर्म करना है आइए सीखते हैं। मैं आपको साइड वेज से बता रही हूँ। सिंपली आपको ये करना है इस तरीके से अपने पैर के बल इस तरीके से बैठ जाना है, सामने की तरफ देखना, हाथों को पूरा स्ट्रेच करते हुए सामने की तरफ लाना है एंड पूरा हाथ को स्ट्रेच करना है जितना आगे तक आप स्ट्रेच कर सकते हो। अपने हैंड्स को अपने जमीन पे इस तरीके से टैप करना है। इस पोजीशन को आपको होल्ड करके रखना है 5 सेकेंड्स तक। पूरे बॉडी को रिलैक्स करना है जस्ट लाइक ए चाइल्ड एंड फिर नॉर्मल पोजिशन में आ जाना है लाइक दिस। क्या क्या मैंने पूरे हाथों को स्ट्रेच किया,
सामने की तरफ आए, हेड को जमीन पर टैप किया, फुल बॉडी को रिलैक्स किया, 5 सेकेंड्स होल्ड किया एंड देन बैक टू नॉर्मल पोजीशन। इसी तरीके से गाइज हम लोग चाइल्ड पोज को परफॉर्म करेंगे। कितना करेंगे तो काउंट करके हमें 15 का रेपिटेशन लगाना है, टोटल हमें करना है 3 सेट्स। सो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है कैट एंड काउ पोज। इसे कैसे परफॉर्म करना है आइए सीख लेते हैं। मैं आपको साइड वेज से बता रही हूँ ताकि आपको पोजिशन का आइडिया हो जाए। हाथ आपको इस तरीके से 2 बितन आप लेना है एंड जस्ट लाइक ए कैट इस पोजिशन में आपको आ जाना है। सामने की तरफ देख के पूरे बॉडी को आर्च बनाना है, अपर बैक को लाइक दिस जितना आर्च बना सकते हो होल्ड करो एंड देन स्लोली बॉडी को रिलीज करते हुए ऊपर की तरफ देखना है एंड लोअर बैक का आर्च बनाना है लाइक दिस जितना आर्च आप बना सकते हो इस तरीके से। देन सामने की तरफ देख के अपर बैक को आर्च बनाना है इस तरीके से जस्ट लाइक ए कैट एंड देन गेट बैक एंड लोअर बैक को आर्च बनाना है जस्ट लाइक दिस एंड पोजिशन को होल्ड करना है 5 सेकेंड। तो इस तरीके से पहले अपर बैक को आर्च बनाना है एंड देन स्लोली आपको लोअर बैक को आर्च बनाना है। तो इसी तरीके से गाइज हम लोग कैट एंड काउ पोज को परफॉर्म करते हैं। कितना करना है तो काउंट करके हमें इस 15 का रेपिटेशन लगाना है एंड टोटल हमें इसे करने हैं 3 सेट्स। तो गाइज हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम है गार्लैंड पोज। ये वन ऑफ दी बेस्ट वर्कआउट आपके इरेगुलर पीरियड्स को ठीक करने के लिए। कैसे परफॉर्म करना है आइए सीखते हैं। सिंपली हम लोग जो नॉर्मल स्क्वाट्स करते हैं आपको वैसे परफॉर्म करना है इसको। चेस्ट अप करके बैक आर्च बना के पैर के एरिया आपको इस तरीके से रखना है एंड कंट्रोल मोशन में आपको नीचे जाना है लाइक दिस एंड जब यहाँ तो अपने हाथों को अपने नीज को इस तरीके से आपको स्ट्रेच करना है एंड ये वाले पोजीशन को आपको होल्ड करना है 5 सेकंड्स। ट्रस्ट मी वन ऑफ दी बेस्ट वर्कआउट है, ये आपके पीरियड्स को रेगुलेट करने में अमेजिंगली हेल्प करता है। 5 सेकंड होल्ड करके देन बॉडी को बैक टू नॉर्मल पोजीशन में लाना है, कंट्रोल मोशन में आना है स्क्वाट्स वाले पोजीशन में, अपने एल्बो से अपने नीज को पुश करना है एंड इस पोजीशन में आपको बैठ जाना है 5 सेकंड्स तक होल्ड करना है। सो इसी तरीके से गाइज हम लोग ये एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। कितना करना है तो आपको काउंट करके इसका 15 का रेपिटेशन लगाना है एंड टोटल आपको इसके करने हैं 3 सेट। सो गाइज दैट्स द एंड ऑफ द होल वीडियो। इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा रिसर्च लगी है, तो वीडियो को थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना है, हर एक जगह शेयर कर देना, स्पेशली उन फीमेल के साथ जिनको PCOD या PCOS है ताकि उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, लॉट्स ऑफ लव।